Assalamualaikum, my dear students. This is your English teacher, Ms. Mehak Fatma, from Sir Syed Children's Academy. This is your second lecture of grade 6, in which today we study the ways of communication. Let me know what are the ways of communication we use in our daily lives? Yes. सेल फोन्स, ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स, कॉल्स, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं, ठीक है, जिनसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. टुडे वी विल स्टडी वन ऑफ द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज लेटर राइटिंग. बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न हाउ टू राइट अ लेटर, वी शुड नो वट लेटर राइटिंग एक्चुअली इज. Letter writing is all about a written message that can be handwritten or a printed. Letter writing क्या होता है, कोई भी हैंड रिटन भी हो सकता है या कोई भी प्रिंटेड मैसेज होता है. किसी को जब आप कोई मैसेज भेज रहे होते हो तो वो लेटर के फॉर्म में भी भेज सकते हो. लेटर जो है वो यूजुअली सेंड किया जाता है, भेजा जाता है मेल के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए, ठीक है. पहले जब हम बहुत सारे पोस्ट ऑफिस और यूजुअली मेल्स का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग पोस्ट कर दिया करते थे, बट राइट नाउ मेल्स आर देयर, ईमेल्स आर देयर कि हम उसे मेल कर दें, ठीक है. एनी सच मैसेज दैट इज़ ट्रांसफर्ड वी अ पोस्ट इज़ अ लेटर. कोई भी ऐसा मैसेज जो पोस्ट के ज़रिए से ट्रांसफ़र किया जाए वो लेटर कहलाता है, ठीक है. लेटर राइटिंग आपके पास टू टाइप्स की होती है, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स? फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स आपके पास वो लेटर्स होते हैं जो किसी आप डेजिग्नेशन पे कोई इंसान हो और आप उसको भेज रहे हो. फॉर एग्जाम्पल किसी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना, किसी प्रिंसिपल को भेजना, किसी एडिटर को भेजना, यानी जिनसे आप बहुत फॉर्मल रिलेशन हो आपका, आप उनसे इतना फ्रैंक नहीं हो सकते हो, बहुत फॉर्मली आप उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, यहाँ वहाँ की या अपने हाल अहवाल, इन चीज़ों के बारे में आप फॉर्मल लेटर में नहीं लिखते हो. जबकि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो अपने फ्रेंड्स को भेजते हो, जब अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजते हो, जब आप अपने रिलेटिव्स को भेजते हो कि जिनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा. नाउ इफ यू नो, अब हमें पता चल गया है कि लेटर राइटिंग क्या होती है, हमें किस किस को कौन से लेटर भेजने होते हैं, फॉर्मल लेटर्स किसको, इनफॉर्मल किसको, तो मुझे पता है माय स्टूडेंट्स लव टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है. तो टुडे वी विल स्टडी हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट, जो पैटर्न होता है, इट इज़ ऑल अबाउट कि हम पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद नीचे डेट, देन सैल्यूटेशन या आप ग्रीटिंग्स कह लो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड देन सिग्नेचर. कैसे लिखते हैं आई विल टेल यू इन अ सैम्पल लेटर. हेयर माई सैम्पल लेटर इज, आपके पास आप क्वेश्चन होगा, आपने क्वेश्चन को पढ़ा. अच्छा, लेटर राइटिंग इज ऑल अबाउट वॉट एवर यू आर राइटिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है. लेफ्ट साइड से कभी भी लेटर राइटिंग को राइट साइड से स्टार्ट मत कीजिएगा, वेदर इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपने उसे लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना है, ठीक है. इसके बाद आपने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर कौन होता है? द वन हु इज़ राइटिंग, ठीक है, जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है, दैट इज सेंडर. तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखोगे. इसके बाद यू विल लीव वन लाइन, यू विल स्किप वन लाइन एंड देन यू विल राइट डेट. आप जब डेट लिख लोगे, यानी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो आप उसका डेट लिख दोगे, उसके बाद आप फिर वन लाइन स्किप करोगे और उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखोगे, यानी आप किसको लेटर भेज रहे हो, ठीक है. अच्छा, इसके नीचे आपने अपना बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है. बॉडी पैराग्राफ में आप क्या लिखते हो? इनफॉर्मल लेटर में आप उनसे ग्रीट करते हो, मीट एंड ग्रीट टाइप थिंग्स, कि हाउ आर यू, आई एम गुड है, आप भी ठीक होगे, हाउस मामा, हाउस बाबा, हाउस एवरी वन एट होम. यू विल आस्क अबाउट डिफरेंट पीपल हु आर लिविंग एट योर प्लेस एंड देन यू विल डिस्कस द थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है. जो भी बात आपको करनी है आप बॉडी में करो. जैसे यहाँ पे मैं आपको रीड करके बताती हूँ. डियर मदर, आई एम फाइन हेयर एंड होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ. आई एम एन्जॉइंग माई न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ, दो समटाइम्स आई फील होम सिक, बट योर वर्ड्स ऑफ एडवाइस ऑलवेज हेल्प मी ओवरकम द फीलिंग्स, ठीक है.
एक बच्चा है अपनी मदर से कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, आप भी वहाँ ठीक होगे, मैं अपनी स्कूल लाइफ हॉस्टल लाइफ बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, बट कभी कभार मुझे आपकी बहुत याद आती है, जिसमें आपके वर्ड्स जो होते हैं वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। आई बिलीव दिस स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट आई कुड हैव गॉन टू, वी हैव द बेस्ट फैसिलिटीज एट आर डिस्पोजल, बी इट द प्ले ग्राउंड, द जिमनाजियम और द लश ग्रीन लॉन्स। The teachers are very learned, affectionate and efficient. My classmates are helpful and fun to be with. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो अपने पेरेंट्स को अपनी स्कूल और हॉस्टल लाइफ का बता रहा है, जिसके बारे में एक्चुअली टॉपिक है। अगर आप टॉपिक देखो तो इट इज़ रिटन राइट अ लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग योर न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ। तो बच्चा अब अपनी न्यू स्कूल और हॉस्टल लाइफ को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज हाउ यू विल ऑल्सो राइट योर बॉडी पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। इन अ नटशेल ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट यू नीड not worry about me as I am in a good hands. Please convey my regards to dad and love to Sunaina. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, आई एम इन अ गुड हैंड्स। मेरे फादर को और मेरी सुनैना जो उनकी सिस्टर हैं या जो भी उनके रिलेटिव हैं उनको प्यार दीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे उन्होंने सब्सक्रिप्शन क्या होती है कि बताते हैं कि हु यू आर टू देम, योर लविंग सन, ठीक है। और इसके नीचे आपका नाम, सेंडर्स एड्रेस कह लो या आप यहाँ पे इसको सिग्नेचर कह लो, बट यू विल राइट योर नेम हियर, ठीक है। आई होप दिस लेटर पैटर्न इज क्लियर टू यू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, योर होमवर्क इज हियर। You have to make title page of letter writing in your copy with a proper date and heading. Don't forget to write heading and questions in your copy, ठीक है। Do letter 1 and letter 2 in your English language copy. Letter writing का इस तरह से आप title page बनाएंगे, date लिखेंगे, इसके बाद आप next page पे letter 1 की heading डाल के date लिख के question लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के नीचे से प्लीज काइंडली गर्ल्स आप लेटर शुरू मत कीजिएगा, लेटर शुड ऑलवेज बी फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन एट पास राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम और हर व्हाई यू प्रेफर प्लेइंग योर फेवरेट गेम टू रीडिंग। आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को लेटर लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आप खेलने को प्रेफर क्यों करते हैं रीडिंग से। गिव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर व्यू पॉइंट। आप अपने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देंगे, अपने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि कन्विंस कर सके अपने आपके व्यू पॉइंट को, आपके पॉइंट को, कि आपको खेलना क्यों ज़्यादा पसंद है रीडिंग से। अच्छा, गर्ल्स एंड बॉयज ट्राई टू राइट दिस लेटर बाई योर सेल्फ, खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। एंड इफ यू कैन नॉट डू इट देन आई हैव डन इट फॉर यू, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बट ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ। पहले आप यहाँ पे एड्रेस डेट जरूर डालिएगा, हेडिंग लेटर नंबर 1 की आपने पहले डाल दिए, यहाँ पे डालने की नीड आपको नहीं है। आपने न्यू पेज से नेक्स्ट पेज से आपने इसे स्टार्ट करना है। मस्ट राइट सेंडर्स एड्रेस, यानी आप अपना एड्रेस लिखेंगे, स्किप 1 लाइन देन डेट, देन स्किप 1 लाइन देन सैल्यूटेशन एंड देन स्टार्ट राइटिंग। I'm fine and hope you are also good there. I'm writing this letter in response to the letter you sent me. I completely understand your responsibility for being big brother. यहाँ पे अब मैंने अपने बड़े भाई को लेटर लिखा है, दैट इज़ कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, यू आर ऑल्सो गुड देयर। मैं ये लेटर लिख रही हूँ बिकॉज आपने जो लेटर लिखा था उसके रिस्पॉन्स में आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड के वो बड़े भाई हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट माई इंटरेस्ट लाइज इन क्रिकेट एंड यू नो देर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस गेम। आई डू नॉट लाइक रीडिंग बुक्स, इवन स्टोरी बुक्स, सो आई वुड लाइक इट इफ यू आस्क डैड टू सेंड मी अ क्रिकेट अकेडमी। मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है बनस्बत इसके कि मैं बुक रीडिंग करूँ, एंड एज यू नो कि दिस गेम हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। प्लीज़ मेरे डैड से कहिएगा कि मुझे एक क्रिकेट अकेडमी में भेज दें, आई कैन नॉट लाइक रीड मोर बुक्स। गिव माई ग्रीटिंग्स टू मॉम एंड डैड, ठीक है, योर लविंग ब्रदर अली, ठीक है। यहाँ पे अली ने अपने भाई को एक लेटर लिखा था जो आपके सामने है। यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर ब्रदर और योर सिस्टर। ओके, हियर योर लेटर नंबर 2 इज, आपका लेटर नंबर 2 उसी तरह से करेंगे कि एक पेज पे क्वेश्चन आएगा,
नेक्स्ट पेज पे आपके पास उसका लेटर आएगा. राइट अ लेटर टू योर अंकल आंट थैंकिंग हिम और हर फॉर द गिफ्ट्स ही शी हैज सेंट यू. टेल हिम और हर व्हाई यू लाइक द गिफ्ट. आपको अपने अंकल या आंटी को एक लेटर लिखना है और उसमें आपको बताना है कि जो गिफ्ट उन्होंने भेजा है आपको वो गिफ्ट क्यों पसंद है. As I told you, I have done this letter, but try to do it by yourself. ठीक है. Address आ गया, date आ गई. इसके बाद dearest uncle, it's been so long since we met. When I received my gift by courier, I was pleasantly surprised. It was very thoughtful of you to send me a pair of swimming goggles. I wanted them for as long as I can remember. So when I received them on my birthday, it was a dream come true. यहाँ पे एक लेटर लिखा जा रहा है अपने अंकल को जिन्होंने स्विमिंग गॉगल्स दिए हैं एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि स्विमिंग गॉगल्स उसे कब से चाहिए थे और वो उसका ऐसा लगा जैसे उसका ड्रीम कम ट्रू हो गया. I immediately went swimming armed with my new goggles. They are perfectly fit. Uncle and water right as well. I can now swim underwater, something I've always wanted to do. It was all very concentrate of you to pick a pair of with dark glasses as the sun shines relentlessly on the pool every day. But thanks to the dark glasses, I don't have to squint my eyes while swimming anymore. I have a week off from my college in August. If it is all right with you, I would love to come visit you. I have written a lot of poems since we last met and a lot special one just for you. I will bring it along when I come to meet you. With love and best wishes, your loving nephew, Aslam. ठीक है? आपको इसी तरह से अपने अंकल को या आंटी को लेटर लिखना है. So, thank you students. I hope you enjoy this lecture. So, don't forget to like, share and subscribe the channel.